नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, न्यूज की ओर बढ़ते हैं। पेंशन के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर, ईपीएफओ ने शुरू की ये नई योजना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएफ पेंशनरों को नई सहूलियत दी है। पेंशन के कागजात खोने पर ईपीएफ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये डिजिटल लॉकर से मिल जाएंगे। इसके लिए पेंशन ऑर्डर नंबर दर्ज करना होगा, इसी लॉकर में पेंशन ऑर्डर भी रहेगा। फिलहाल कागजात खोने पर पेंशनरों और आश्रितों को तमाम तरह की प्रक्रिया के बाद रिकॉर्ड मिल पाता है। कागजात खोने की सूचना थाने में देने के बाद ईपीएफओ को शपथ पत्र देना पड़ता है। सबसे अधिक दिक्कत होती है फैमिली पेंशनर को लेकर, इसके लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। इस दिक्कत को देखते हुए ईपीएफओ ने डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू करने का निर्णय किया है। इसमें पेंशनरों के साथ ही उनके आश्रितों का रिकॉर्ड भी उन्हें मिल जाएगा। एक महीने बाद वेबसाइट पर सिस्टम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ईपीएफओ प्रदेश बोर्ड के सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र का कहना है कि डिजिटल लॉकर से सभी को फायदा होगा। राज्य में 4.5 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जबकि देश में इनकी संख्या 65 लाख से अधिक है। इन सभी को पेंशन से संबंधित सारे दस्तावेज एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसके लिए जल्द ही ईपीएफओ कार्यालय में हेल्प डेस्क खोलने का प्रस्ताव लिया जाएगा, ताकि उन पेंशनरों को राहत मिल सके जो डिजिटल सिस्टम से परिचित नहीं है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पास ही में लगा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आप